हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 18 मई, सवेरे के बज रहे 8:30। और सवेरे सवेरे हम सब लोग रेडी है पूरे साज श्रृंगार के साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं कलश यात्रा में। ये मेरी पड़ोस में रहती है, क्या नाम, पूजा। आज हमारे बगल में मंदिर है और ये भी हमारी पड़ोसी है कलावती। तो हमारे बगल में मंदिर है मनकेश्वर मंदिर, तो वहाँ कलश यात्रा भागवत के वजह से, मतलब भागवत स्टार्ट है आज से, तो कलश यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो हम सभी औरतें यहाँ पर आ गई हैं। ये देखिए हमारी गांव की महिलाएं, थोड़ी महिलाएं, हम साथ की पड़ोस की, तो हम लोग आ गए हैं। बाकी वहाँ थोड़ी देर में सब पहुँच जाएंगी। हेलो बोल दो। हेलो, बाय बाय। तो आपको दिखाऊंगी हम लोग की कलश यात्रा, कलश लेके आ गए हैं। ये है मेरा लुक, येलो साड़ी पहनी है, सभी महिलाएं भी येलो साड़ी पहन कर आएंगी ज़्यादातर। गाइस, आज थोड़ी सी आवाज़ डाउन है, तो मोटी मोटी आवाज़ आ रही होगी मेरी। हम लोग बिना चप्पलों के चलेंगे आज, कैसा लग रहा है आपको? अमिता जी तो बिना चप्पलों के आई घर से। ये देखिए गाइस, क्योंकि तो 7 दिन तक चलेगा ये भागवत। लास्ट में होगा भंडारा, वीडियो पे दिखाएंगे कैसे एंजॉय किया हमने। एंजॉय हमें भी पुण्य मिलेगा कलश यात्रा में शामिल होके। आप वीडियो देखोगे आपको भी पुण्य मिलेगा, आप भी देखिएगा। सो गाइस, ये है मंदिर, श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर। पंडित जी अभी सभी को टीका लगा रहे हैं। ये शिव जी का मंदिर है। ऐसी हमारी कॉलोनी के चाचा चाची जी हैं जो अभी पूजा में बैठे हैं। आज के जजमान भी हैं ये, क्योंकि हमारे गांव में जो भागवत हो रहा है वो सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो मंदिर का ये डेकोरेशन देखिए, चावल से पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने पूजा की सभी सामग्री रखी हुई है। तो गाइस, ये है डेकोरेशन जहाँ भागवत होना है। अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं और महिलाओं के आने का, फिर उसके बाद कलश यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अमिता दी का डांस, कलश को लेके डांस करने लग गई है। मंगलम रजवध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर हर ओ सो गाइस, कलश यात्रा शुरू होने वाली है, लेडीज आ गई हैं। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी कलश यात्रा। बिना चप्पलों के हम लोग ये यात्रा करेंगे मनकेश्वर मंदिर से। एक और मंदिर है हमारे गांव में, तो वहाँ तक हमें जाना है, वो भी शिव मंदिर है। Thank you.
मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं कलश लेके। सभी लोग अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और वहां से पंडित जी हमारे कलश पे पानी भरेंगे और इसी पानी भरे कलश को लेके हमें वापस मनकेश्वर मंदिर आना है। ये अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये मंदिर का आयोजन और ये देखिए सब अब सारी कलश यात्रा पहुंच चुकी है। ये देखिए कलश यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर कलश यात्रा पहुंच चुकी है एक मंदिर से दूसरे मंदिर के जाने के बाद और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आयोजन काफी सुंदर आयोजन भागवत कथा का। जवानगर मनकेश्वर मंदिर में आज से दिनांक 18 तारीख से भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों और भक्तजन द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए सभी मौजूद सारे भक्तजन हमारे अभी सभी औरतें आराम कर रही हैं, थक गई हैं। नहीं थके? अच्छा लग रहा है, पुण्य मिलेगा सब औरतों को। पानी बांटा जा रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो, पैर के कैसे हाल है बताओ? अच्छा, पैरों में पैर सही है, सही है। पानी अभी आराम हो गया ना थोड़ा सा, रिलैक्स कर रही हूं। तो पानी बांटा जा रहा है यहाँ पर, सेवा दी जा रही है गप्पू द्वारा। और हमारे आज के फोटोग्राफर ये हैं, वीडियोग्राफर आज के, इन्होंने सारी वीडियो कैप्चर करी है। इन दोनों ने रास्ते पर सारी वीडियो ली है, इसने मैं फोन दे दिया था। तो पसीना
अच्छा लगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ग्रुप फोटो खींची जा रही है और आज की कलश यात्रा में हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गाइज, दिन के 10:45 हो गए हैं। आप लोग, हम कर रहे हैं घर वापसी। हम लोग फोटो में रील्स बना रहे थे तो हमें टाइम लग गया है। और ये देखिए, बस इतनी सी औरतें बची हैं। सो गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।